आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने भारतीय गेहूं और आटे पर अगले 4 महीने के लिए निर्यात पर इसके रोक लगा दिया है। ये फैसला 13 मई 2022 से 4 महीने तक प्रभावी रहेगा। वहीं यूएई के आर्थिक मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये प्रतिबंध भारतीय गेहूँ से बने आटे और इसके अन्य सभी उत्पादों पर लागू होगा। वहीं यूएई के इस फैसले को लेकर तरह तरह की चर्चाएँ चल रही है, लेकिन यूएई ने यह फैसला भारत की वजह से ही लिया है। वहीं बता दें कि सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत नहीं चाहता है कि दुबई और अबू धाबी निर्यात किए गए गेहूं या आटे को किसी अन्य देश में भेजे। भारत चाहता है कि उसके गेहूं का घरेलू उपयोग हो और उसका लाभ वहां कम काम करने वाले भारतीयों तक पहुंचे। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि बदले में भारत यूएई को उन देशों की सूची से बाहर रख सकता है जिन्होंने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं 13 मई को भारत ने खाद्य सुरक्षा, वैश्विक स्थिति और घरेलू बाजार में बढ़ती खाद्य कीमतों के हवाला देते हुए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में यूएई को 4.71 लाख टन गेहूं का निर्यात किया। भारत के लिए निर्यात का ये आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के मामले में ये बहुत अधिक है। वहीं अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात सालाना 1.5 मिलियन टन गेहूं की खपत करता है और ये पूरा गेहूं संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात करता है। वहीं यूएई अपनी गेहूं की आवश्यकता का 50% रूस से निर्यात करता है। इसके बाद कनाडा, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात होता है। वहीं भारत वित्तीय वर्ष 2020-21 से संयुक्त अरब अमीरात के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। 2020 में भारत ने 1.88 लाख टन गेहूं का निर्यात किया, जो 2021 में बढ़कर लगभग 5.5 लाख टन हो गया। रूस यूक्रेन युद्ध से वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने के बाद भारत यूएई को गेहूं का तेजी से निर्यात कर रहा था। अगर भारत के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया होता तो इस बार ये आंकड़ा और बढ़ जाता। वहीं व्यापार सूत्रों का कहना है कि आने वाले महीनों में गेहूं की वैश्विक आपूर्ति में सुधार होगा। रूस और यूक्रेन में जुलाई महीने में गेहूं की कटाई के बाद बाजार में आवक बढ़ जाएगी। हालांकि इस बार यूक्रेन का निर्यात आधा हो सकता है। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार यूक्रेन ने पिछले साल कुल 19 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया था। इस बार ये 10 लाख टन ही रहने का अनुमान है। हालांकि रूस का निर्यात इस बार 3.3 करोड़ टन से बढ़कर 4 करोड़ टन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।